हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की मैं अपने इस नए क्लास में एसपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि एसपी की एग्जाम में आपको लेटर कैसे लिखना होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का एक सेक्शन जो होता है वो पूरा का पूरा लेटर के ऊपर ही होता है, जो आपका होता है लास्ट वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर ई, राइट। उसमें आपके 5 लेटर आते हैं और 5 लेटर के आपको मिलते हैं 25 मार्क्स, राइट। लेटर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है वो होता है उसकी फॉर्मेट का, यानी कि अगर आपको लेटर का फॉर्मेट आता है तो आपको एटलीस्ट 15 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। बाकी के 10 मार्क्स जो है वो आपके राइटिंग स्किल पर डिपेंड करते हैं, और ये सारी बातें जो है वो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो लेटर वाला टॉपिक नहीं देखा हो या वो लेटर कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट उसका क्या, वो नहीं देखा हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको वहां पे क्लिक करके आसानी से देख लेना, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो टिक करवाने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड है। प्रीवियस ईयर एग्जाम का मतलब कि 2018 से लेके 2022 तक, यानी 18 से लेके 22 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए, 21 वाला छोड़ के कोई उस साल एग्जाम नहीं हुआ था, उसके बीच में जितने एग्जाम्स हुए थे सभी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके। उसके अलावा जो मुझे भी लगा कि हाँ ये हो सकता है कि ये भी पूछ सकते हैं, तो मैंने वो भी टिक कर दिया है। हालांकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो वो प्रीवियस ईयर के बेस पर ही हैं, तो आप उन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस टिक करवाए हैं एनी हाउ कोशिश करना कि आप कवर कर लो, और मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करना। कुछ क्वेश्चंस तो आप इग्नोर भी कर पाओगे, वो कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन रीड किया ना, तो उसके अंडर में ही काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, डिबेंचर वाला एक क्वेश्चन आता है जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसमें अगर टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़ते हो तो छोटे छोटे काफी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। लाइक डिबेंचर के 2 टाइप्स लिखो, या जैसे आता है कि गिरवी डिबेंचर क्या होता है, यानी कि मोर्गेज डिबेंचर क्या होता है, तो वो सारे क्वेश्चंस कवर ही हो जाएंगे, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो वीडियो है, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैंने इस तरह से अरेंजमेंट किया कि ये सारे मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो जाएगी। सारे मीडियम मतलब हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, तीनों ही मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कवर हो जाए, इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया है। तो सारे मीडियम के स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे वो हिंदी वाले हो, चाहे वो इंग्लिश वाले हो, चाहे वो गुजराती वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो बेसिकली हमारा है पार्ट 1 का। अगर मैं बात करता हूं पार्ट 1 का, तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपका जो बुक है, बुक ओपन करो और बुक के एक्सरसाइज निकालो, ठीक है। बुक का एक्सरसाइज निकालो और उसमें टिक कर लो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, चौथा और पांचवा। मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं उनको टिक करते जाना। फिर चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 का 1 3 4 5 6 7 6 7 और 10, 8 और 9 को छोड़ के सारे ही टिक कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 और 10। आपको मैं बता दूं कि पार्ट 1 में से भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली सेक्शन बी और सी में, राइट। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है सेक्शन बी और सी में भी बनते हैं, और यही वजह है कि मैंने यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मुझे लगा वो मैंने टिक किया है, इसलिए इनको भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो जिसमें 1 एंड 3 ही करना है, जो बेसिकली आपके लेटर्स वाले, जो लास्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लेटर वाले हैं, तो उनको एनी हाउ ट्राई करने की कोशिश करना। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, तो जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 6 और 9 कर लेना। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो सारे कवर करने की कोशिश करना, लेकिन पहले ये दोनों कवर कर, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से, बाकी का अगर पॉसिबल हो तो ट्राई जरूर करना। उसके बाद बात करते क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा, चौथा और 10वां, और क्वेश्चन नंबर 4 में पहला, 9वां और 12वां, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, कैसे भी करके इनको कवर करने की कोशिश करना। जितने भी लेटर्स मैंने यहाँ पे टिक किए हैं सब बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए लेटर्स हैं, ठीक है, तो इनको एनी हाउ कवर करने की कोशिश करना। उसके बाद बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 में 3 लेटर हैं, 2 3 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 3 एंड 5, बस इतना ही करना है। चैप्टर नंबर 4 में आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 2 3 और 4, ये है पार्ट 1 का। मैं आपको सजेशन दूंगा कि पार्ट 2 को सॉल्व करने से पहले पार्ट 1 एक बार जरूर देखना, क्योंकि पार्ट 1 आसान है और आपका वेटेज अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही पार्ट 1 कवर होता है उसके बाद सीधा आएंगे पार्ट 2 पे, राइट। जब हम पार्ट 2 की बात करेंगे तो पार्ट 2 में भी यहाँ पे आपके, वैसे कुछ स्कूलों का सुना मैंने 4 चैप्टर है, कुछ में 3 चैप्टर, तो मैं यहाँ पे 4 चैप्टर का बता देता हूँ। जिनके में 4 है वो 4 तक करना, जिनके में 3 है वो 3 तक करना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 का 4 5 6 और क्वेश्चन नंबर 3 में 2 3 4 6, और पॉसिबल हो तो सारे कवर करने की कोशिश करना। मैं आपको पहली बता दूं, जो चैप्टर नंबर 1 है इसका वेटेज ज्यादा है बाकियों की तुलना में, तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
क्वेश्चन नंबर 5 में बोलूं तो 2, 3 एंड 4 आ जाएगा, राइट। चैप्टर नंबर 2 में बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 में तो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, जिसमें आपको बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 का 3 कर लेना और क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 3, 4, 7, 9 और 10, इसमें से आधे ज्यादा क्वेश्चन तो रिपीटेड ही है, ओके। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे टिक कर दिया ताकि आपको आइडिया है, आप उसको देख लो। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 2, 3, 4, दोनों में ही 2, 3, 4, 2, 3, 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 1 एंड 3 है। और चैप्टर नंबर 4 में बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन 3 का 4, क्वेश्चन 4 का 1 और क्वेश्चन 5 का 1, 2, 3, राइट। ये तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा चैप्टर के पीछे जितने भी एमसीक्यूज दिए हैं वो ऑल एमसीक्यूज कर लेने, सारे एमसीक्यूज कवर करने की कोशिश करना, इससे आपके 10 मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ एमसीक्यूज को वो लोग 1 मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एसपी में ये अक्सर देखा गया है कि एग्जाम में क्या होता है, यानी जो हमारा गांधीनगर से पेपर आएगा, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो बोर्ड का हो, उसमें होता क्या है कि वो लोग जो एमसीक्यूज होते हैं ना उसको भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कवर कर देते हैं। इसलिए 1 मार्क्स वाले जितने भी है, यानी जो हमारे एमसीक्यूज है, सारे एमसीक्यूज कवर कर लेना, ठीक है। और लेटर जो है वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसको देख लेना, तो ये तुम्हारा पूरा एसपी का इसमें कवर हो जाएगा। कोशिश करना, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर्स काफी ज्यादा है और टाइम तुम्हारे पास कम है, लेकिन एक बार रीड करके जाओगे तो एटलीस्ट मन में संतुष्टि होगी, लिखते बनेगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। मैं कोशिश करूंगा कि बाकी सब्जेक्ट्स का भी टाइम से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूं और आपको आइडिया दे दूं कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।